भाई तुमने देखा है उसको डॉली चाय वाले को? व्लॉग की शुरुआत हो गई है जी, दिन के 1:30 बजे, और अभी तो दो गाड़ियों को क्या है पार्क करना है इधर उधर, फिर उसके बाद में जीप लगाऊंगा यार। राम राम सा, राम राम सा। ये गाड़ी अपने को लगानी है वापस से इधर, फिर इसको अपन हटाएंगे, इसको डालेंगे इधर, है ना, और फिर उसके बाद में अपने को जीप लगानी है वापस से इस वाली गाड़ी की। लग गई दोनों इधर, अब अपने को जीप लगानी है। भाई ये क्या कर रहा है तू? तू लगाने वाला है क्या? नहीं नहीं बैठे हैं। चलानी तो आती नहीं तेरे को? अब देख तू लगा भी लेगा अगर बाई चांस, तो सामने जो अपनी गाड़ियां हैं उनमें तू मार सकता है। ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, हम चलाएंगे नहीं। अच्छा चलाएंगे। ब्लॉग पे झूठ बोलने की कोशिश। धक्का दे दे। अभी 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 क्या कह रहा था, क्या कह रहा था लोकेश? सच बता दे, अब जल्दी से बता दे लोकेश। बैठा था यार, मेरे को तो चलानी आती नहीं। तो लेके चले वो सॉन्ग पाएंगे तो घूम के आ जाएंगे। वीरेंद्र मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, हाँ जी, ऐसे नहीं करते। सीख लो पहले चलाना, क्योंकि ये जो है ना ये अनकंट्रोलेबल चीज है जीप। ये गाड़ी मस्त है, लेकिन कुछ भी कहो भाई, हैंड ब्रेक का है इसका। अरे हैंड ब्रेक का है, चाबी तो लगा ली इसमें, हैंड ब्रेक है कहाँ? कोई हैंड ब्रेक नहीं है भैया, ओनली सिंगल यही वाला ब्रेक। बताओ गजब। देखते हैं भाई साहब, दिखाते रहना मेरे को, थोड़ा दूर से दिखा रहे ना, कहीं कुछ काटना मना हो जाए बस। आज काम धक्का दे देंगे अगर खत्म हो जाएगा तो। कि यहाँ पे अपने को लगानी थी और फिर यहाँ पे आ रहा है पिलर, तो ढंग से इसको देख करके बैक कर, और प्लस ये जो जुगाड़ है ना ये चीज खतरनाक है भाई साहब, इसलिए क्या है इसको ध्यान से बैक करनी पड़ती है, कहीं पिलर विलर में ना खिंच जाए बहुत ज्यादा। एक तो ट्रक जैसा स्टेयरिंग है इसका, पीछे और भी गाड़ियां खड़ी है और पीछे पिलर है, सब चीजों का अपने को ध्यान भी देना है। जी ये बताओ, कोई डर थोड़ी लग रहा है मेरे साथ बैठ करके? नहीं लग रहा एकदम। स्टाइल मारने के चक्कर में झूठ बोल रहा है बस। कि बोले ब्लॉग में नहीं बोलूंगा मैं सच। भैया जी कर लिया बनने। बेटा इसमें कुछ नहीं है तो तुम्हें आगे आना, और मेरे भाई क्या है तो भाई सेकंड गियर में तो पूरी मार रहे भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा भैया? मजा आ रहा है भी, एक तो जब गाड़ी उड़ा दूंगा ना मैं, उसके बाद देख मजा ही मजा है। ये अपने लोकेश भाई को देखो कैसे पोज दे रहे हैं, बढ़िया भाई। हॉर्न मार नहीं लगी मैं कह रहा हूँ, हॉर्न वॉर्न है नहीं इसके अंदर यार, हॉर्न तो दिख नहीं रहा इसमें, तुम्हें दिख रहा है कि लोकेश बजाई इधर हॉर्न इसका? कहाँ है? और ये नहीं बजा तो बजेगा? अरे बज गया रे। ले पकड़। आ रहा नहीं आ रहा दर्द है पता? बहुत बढ़िया। गियर तो लगता नहीं है इसका। यहाँ तो सफारी की बात कर रहे हैं भाई, बड़ा केड़ा गियर है यार इसका, यार नीचे दिखाइए उसको, बड़ा सख्त, मतलब जिसको बोलते हैं अरे डॉली छपरी। भाई डॉली चाय वाला था वो, दिखा देंगे उसको एक बार, रुक के दिखा दे।
तेरे को लगा था डॉली चाय वाला है। डॉली समझिए कौन सा। हाँ हाँ। अरे भाई वो जो दूध गिराते हुए चाय बनाते हैं। समझ गया समझ गया। अभी वो बिल गेट्स से मिला था। भाई गली से बाहर निकलते हैं एंट्री रॉयल। भाई उसकी उसको देखते ही तू समझ जाएगा वीरेंद्र। तू निशा उसको देखा थोड़ी था, पीछे से देखा था थोड़ा सा। और अगर तू देखते देखना पक्का बता रहा हूँ डॉली चाय वाले बोले हो। तो लंबी कमर टूट जाएगी आदमी लगता है मिलेगा वो बैठा हुआ अभी भी। ये आई टेन का कांच ना उड़ा दूँ। देख लोकेश मिलवाई उससे। भाई तुमने देखा है उसको डॉली चाय वाले को। डॉली डॉली चाय देखा है उसके जैसे लगते हो एकदम एकदम। जब भी तुमसे मिलने हैं देख लिया पक्के देख लिया। ये नहीं देखा ये सेकंड गियर के अंदर सेकंड गियर के अंदर अनियंत्रित हो जाती है अनियंत्रित। मतलब सेकंड गियर में मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये जो भगरी है ना मतलब भगनी रही जंप खा रही है जंपिंग जपात। भाई बेल्ट वेल्ट तो कुछ भी इसके अंदर है नहीं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर सच कहूँ ना आपको तो अगर आपका एक्सीडेंट होता है कुछ भी होता है ना स्टेयरिंग इसका इतना मजबूत है ना लोहे का बड़ा सारा कि सीधे आपके छाती में घुसेगा। आदत और पड़ी हुई है बार बार हाथ नीचे जाता है यहाँ पे और हैंड ब्रेक नहीं है इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं है। बाकी कैसे मजे आ रहे हैं वीरेंद्र बाबू। बहुत बढ़िया। पीछे बैठ के एक्सपीरियंस कैसा है ये बता। अच्छा है भैया। बढ़िया है। बढ़िया मस्त। अब तो मैं निकल पाऊंगा एक चीज ओपन दादी ने तो हमेशा से रखी है जब हम छोटे।